आप ये तो लगता है गुफा है, आप एकदम साइड में एक गुफा की तरह बनाए हुए हो, ऐसा क्यों? देखो ये ऐसा इसलिए है, ये जितने भी टेंट तंबू लगे हुए हैं पुल के नीचे भारत किसान यूनियन के, यहाँ सब के अपने जत्थे हैं, ग्रुप हैं। मैं गांव से अकेला रहता हूँ, मैं कहीं कोई डिस्टर्ब में नहीं आना चाहता, इसलिए एकांत जगह, सड़क से ऊंची है ये 2 फुट ऊंची जगह। मुझे मालूम था ना मुझे पन्नी की जरूरत, ना बांस की, ना बल्ली की, ना डोरी की, ना कुछ। मुझे आराम के गद्दे के लिए थोड़ा 2 कंबल 2 बिस्तर चाहिए, वो मेरे पास है। थोड़ा पानी चाहिए, वो मेरे पास है। शांति की जगह है ये, शांति एकांत चाहता हूँ। ज्यादा चिक 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 एकांत तो साधु चाहते हैं आप। हाँ तो साधु, हाँ साधु रूप में जिसकी सही आत्मा होती है उसे साधु कह लो, किसान भी साधु होते हैं। जैसे आपका तो मैं भी साधु हूँ, किसान भी साधु, मोदी भी तो कहता है साधु है जी, और किसान का सपोर्टर है, तो मोदी का विरोध क्यों? वो इतना विरोध तो कुछ नहीं होता, विनती है। कुछ नियम लोग है? तो कहेंगे कि छीन के लेंगे आपका, रहे विनती है। नहीं नहीं नहीं, नियम है ये तो एक, अगर कोई किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे, जो चीज़ किसानों को MSP पर रेट बन जा, MSP पर जो 3 काले कानून बना रखे वो वापसी ले ले, और MSP किसानों की लागू कर दे, फसल के रेट किसानों की इच्छा से तय कर ले, तो अच्छी बात है। फसल के रेट तय कर दे जी, सरकार ने तो तय कर दिया है ना? नहीं अभी नहीं आया। सरकार ने सरसों का रेट तय कर दिया है, अभी सरकार ने ये भी कहा है कि सरसों जहां बिकेगी तो जिस प्राइस सरकार ने तय किया उसी पे बिकेगी। अभी सरसों का कर दिया, अभी गन्ना चल रहा है हमारा, अभी लास्ट नहीं हुआ गन्ना और गेहूं आ गया ऊपर से। सरसों का दाम फिक्स हो गया है, कितना जितनी रेट है उतने हिसाब से बिकेगा। 4,4500 था पहले वर्ष का, हमें मालूम है, अब तो सरकार ने बढ़ा के दिया है प्रति क्विंटल का, तो खाली सरसों का काम नहीं चलता। अब गेहूं का रेट 2,000 रुपए क्विंटल था पहले वर्ष, गेहूं का है और भी कई, गेहूं का कम से कम, रबी की फसलों का है, हम जी आपको बताते हैं रबी की फसलों का दाम तय किया है सरकार जी जी, तो उसमें फसल किसान के पास आलू, तो अब जब सरकार ने फिक्स कर दिया है तो अब आपको नहीं लगता कि घर चले जाना चाहिए? अब फिक्स कर दिया वो रेट, हम भी जानना चाहता क्या फिक्स करा। हमारे यहाँ तो गन्ना और गेहूँ ज़्यादा है, सरसों भी पैदा की थी एक दफ़े, जब मैं सरसों पैदा की थी 10 बीघे सरसों डाली थी मैं आज से 5 वर्ष पहले, तब वो सरसों मंदी कर दी गई थी, जब मैं सरसों पैदा करी घनी तब वो मंदी कर दी। आज गेहूँ पैदा करूँ मैं तो मेरे यहाँ तो गेहूँ मंदे हो जाए, मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। फ्लाई ओवर के नीचे रह रहे हैं जी, और सरकार को 11 दौर की वार्ता के बाद कोई वार्ता नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो सरकार तो वार्ता करनी चाहे, हम भी कर लेंगे वार्ता, तो वार्ता तो एक अच्छी चीज हो। तुम ताओ शांति चाहते हो? शांति व्यवस्था बिल्कुल सर्वोपरि तो होती है। यहाँ पे किसान शांति थोड़ी करने आए, यहाँ पे तो अपना बात रखने आए, आंदोलन करने आए। शांति से ही आंदोलन है, क्रांति से नहीं है। अगर शांति चाहते हो तो पंजाब में क्रांति क्यों कर दी है? पंजाब वालों तो पूछो जाएगा, आप भी तो उसी संगठन से आते हैं। संगठन एक ही है पर बात तो वही जाया करने पड़ेगी। कार तो किसानों ने भरी थी कि बीजेपी के किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, तो पंजाब वालों की कहे भाई किसानों की मांग है, समस्या शांति से चलना चाहिए। पंजाब में विधायकों का कपड़ा फाड़ दिया, नंगा कर दिया बीच सड़क पर, क्या अच्छी बात है? गलती है, किसी को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। गलती है ना किसानों की, आप बेइज्जत क्यों नहीं बोल रहे हैं? चाहे मेरी भी कोई बेइज्जती कर लगा तो गलती, क्या मैं किसी को वो तो देखो सरकार को पता होगा या उन्हें पता होगा, मैं तो यहाँ शांत बैठा, मैं तो देख नहीं रहा, दिव्य दृष्टि तो इतनी बड़ी मेरी है नहीं, मैं वहाँ देख रहा कौन कौन कर रहे कौन कौन नहीं। पुलिस के डर वो तो वहाँ की सरकार देख रही होगी, वहाँ की सरकार का कर्तव्य है यो, अगर यहाँ मैं कोई गलत करूँ मैं यहाँ की सरकार मुझे देखता। आप कल तक इतना कह रहे थे, आज कहीं आपको ये देखा जा रहा है आपके चेहरे पे डर बढ़ा? चेहरे पे मेरे डर कभी नहीं होता, मेरा बुखार रहा 2 दिन से, डर नहीं होता, होली की थकावट है, होली खिली बढ़िया तरीके से, परसों 2 दिन में तो होली की थकावट उतरे, कल फिर मैं सही हो जाए। सरकार की तरफ से कोई दबाव है आप पर? दबाव हमें सरकार का भी, जब हम सरकार पर कोई दबाव नहीं डालते सरकार हमें कैसे दबाव में रखेगी, हम नियमदारी इंसान है, नियम से चलते हैं। तो यह गुफासी में क्यों बैठ गए हो आगे? या गुफासी आपको बता दे ना, तो टेंट की जरूरत ना कुछ, इधर भी टेंट बन गया, इधर भी टेंट बन गया, इधर ये जगह बच गई एकांत जगह, हमने देखा ये सबसे बेस्ट रहेगी, हमने अपने दोनों गद्दे यही डाल लिए, तो यही ऑफिस बना दिया अपना हमने। और यहाँ सर्दी में जब वो बारिश के मौसम में पानी बरसेगा तो टेंट में गिलकर जाएगा, मैं बच जम्मा, मैं 2 फुट ऊंचा अपना बचा पहले करके चले, मैं 2 फुट ऊंचा इसलिए करा दिमाग से, क्योंकि ये सब मुझे अपने टेंट में भी नहीं बैठने देते ना। अच्छा क्यों नहीं बैठने देते? मैं खुद भी नहीं चाहता ज्यादा, अगर चाहूँ अच्छे विचारों का कोई मिले अच्छे विचारों का। अच्छा किसानों में भी मतभेद है यानी? मतभेद नहीं होता, ऐसा मतभेद सभी तरीके के होते हैं, सभी तरीके के होते हैं, सब अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, किसानों में सब होता है, सब सहन करना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है। अच्छा ये एकांत जगह भजन के लिए ठीक है, समस्या ऊपर है सब पूरा किसान, तो मैं एकांत चिंता में रहता हूँ ज़्यादा,
कि यार 4 महीने होने को हो रहे, 5वां महीना चल दिया, पूरे भारत का किसान परेशान है, मोदी सरकार कब हमारे पास खुशहाल हो, कब हमारी बात मनने। मैं एकांत इसलिए ज्यादा विचार करता रहता हूँ। तो क्या विचार करके क्या करना चाह रहे हो, बात कहाँ तक पहुँचा रहे हो विचार? बात यहीं तक कि बिल्कुल इनकी जो मेन समस्या है पूरे भारत के किसानों की, MSP पे लागू करे कीमत और बिल वापसी ले ले, और खाद का रेट बढ़ा दिया वो भी गलती किया, डीजल का रेट बढ़ा दिया मेरे हिसाब से वो भी गलती किया। एकांत में बैठ के आपकी कहाँ पहुँचेगी बात? ये यही पूछेगी मुझे, उम्मीद यह है कि 2022 में चुनाव बता रहे आवेंगे, 2022 तक भी बैठ जाएंगे अगर हमारी मन की इच्छा पूरी कर दो 10-15 दिन पहले। सरकार तो कह रही है कि अब किसान ही नहीं चाहते बात करने के लिए। नहीं, हम तो चाह रहे चलो मुझे ले चलो कहा बात करनी। तो आप तो नेता नहीं हो। है नेता ही क्या है, इंसान है, इंसानियत है, किसान है। वो प्रत्येक आदमी से कितना बात करेंगे तो नहीं, हमें सबकी बात समझा दो, हम डिक्लेयर कर देंगे फिर कि बस सरकार ने ये चीज मान ली और सरकार उसे टीवी में लिख कर दे दो। आपका आप हम कर देंगे, आपके बात को किसान नेता मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे हम? टिकट साहबू कह देंगे भाई ये कहा सरकार ने लिख कर दे दें, क्या लिखे हुए पर तो विश्वास होगा, जो कोई लेटर लिखेगा प्रधानमंत्री अपने लेटर पैड पर लिख के दे दो, कृषि मंत्री अपने लेटर पैड पर लिख के दे दो, भाई नकली तो नहीं लिखे ना, नकली मेरी बात करवाएंगे क्या आप भी तो गुहा बन जाइए इस चीज़ में। भाई हम ले गए थे मोदी जी के पास पवन भाई को, तो फिर जनता को मानना होगा भाई उनकी फसलों का सही दाम बात करेंगे हम, ये दाम चाहिए गेहूँ का, गन्ने का, आलू का, चावल का, ये दाम चाहिए, मक्का का, ये दाम चाहिए। कुछ किसान मरने मारने पर उतार हुए, इस पर गलत विचार है, जीवन भगवान ने अच्छे के लिए दिया है, अच्छा करो, मरने मारने की नहीं होनी चाहिए, मनुष्य जीवन कीमती होता है। सरकार के विरोध में आप लोग विरोध करते करते कुछ कुछ गलत विरोध नहीं कर रहे? पूरे समाज के भले के लिए बैठे हैं, पूरे समाज के भले के लिए बैठे हैं, आशा में बैठे परमात्मा पर विश्वास कर। समाज समाज के भले के लिए बैठे हो तो जातिगत भी आप लोग कमेंट्स करते हो? नहीं, सब ब्राह्मणों पर बिरादरी मानते हैं, कभी ब्राह्मणों पर कमेंट्स करते हो, हम बिरादरीवाद पर कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं, मंदिर पे आपने कमेंट्स किया कि नहीं? मंदिर तो सबका सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू धर्म राष्ट्र है, ये मंदिर सबका है। आप ही लोगों के बीच का तो कहता है कि मंदिर क्यों बनाया राम, तो जो वो कहता है उसे कम अकल है, मैं तो नहीं कहता, मैं तो सबको कहूँ भाई मंदिर तो सबका पूजनीय है, गीता रामायण का। आप कह रहे हो मोदी जी ने अच्छा काम किया है? मोदी ने 2-4 अच्छे काम करे, किसानों की फसल के प्रति और कर दो। वो तो सब किसान बोल रहे हैं सभी सारे काम गलत किए। मंदिर की नींव जमा दी, ये वादा था, किसानों के और वादे थे वे और कर दो, मोदी मोदी और घर घर मोदी फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, वो कर दो जी भी तो 4 महीने सड़क पे बैठने के बाद आपकी मांग पूरी हो जाए फिर मोदी जी को वोट दे देंगे, फिर हो जाएगी और क्या है। अच्छा, देश धर्म रखो पूरा, थोड़ा सा ध्यान। उस विपक्षी दल का क्या होगा जो आपके साथ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? विपक्षी दल अपना खुद भूख देखो पेट की कैसा होगी, विपक्षी दल ने भी तो पहला राज किया, उसी ने कौन सा देश में वो झंडा लाल गाड़ दिया। वो अपना हिसाब नहीं मांगेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे हिस्सा मांगेंगे, वो अपना आप ले रहे, जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना हिसाब आप ले रही, वो मोदी से जो मांगेगी। नहीं, आपसे नहीं मांगेंगे, किसान संगठनों से। मेरे से कैसा हिसाब मांगेंगे, किसान संगठन से कैसे? मैंने सपोर्ट किया किसान, किसान वो भी 33 साल से धरने प्रदर्शन चल रहे, 33 वर्ष तो आज से चल रहे, 33 वर्ष से देख रहे हम, तो हम सब ने ऐसे ही कर रखा, सबने लुच्चा सभी पार्टियों ने, जो पार्टी हम अच्छे तरीके से डिमांड पूरी करती हो उसे हम आत्मा से आशीर्वाद देंगे भाई तू जीवन भर राज कर। आप लुट क्यों जाते हो? लुटते नहीं, विश्वास कर लेते हैं, इतना विश्वास, मतलब आपने पहले एक इंसानियत के नाते दूसरी बार किया, अब ये भी देखा जा रहा है आप तीसरी बार भी विश्वास करने लगे। हाँ, विश्वास पे जब हम धरना कायम बैठे, गवर्नमेंट तो उसी की है, कलम है उसका, गवर्नमेंट है उसकी, एक तरफा राज है उसका, अपोजिट कोई नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है। कल तक आप इसी बात को ये बोल रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आज आप अगर वो हमारी मांग पूरी करते हम कल को फिर वोट दे देंगे। तो एक आपको खुद समझ ये नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, आप एक तरफ समझ आ रहा, समझ आ रहा, समझ आ रहा, सिर्फ बैठना है, बैठे हैं बस, बैठना समझ आ रहा है, इससे अच्छा कोई और धंधा लगा नहीं। लोग बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ बैठ के केवल टाइम पास कर रहे हो। हाँ। नारेबाजी करूँ जो, गला दुखाऊ जो, पेट फाड़ू जो, क्या सारा बहुत से करे करूँ जो भाई। अच्छा ताऊ ये बताओ, इतना जो इतनी सारी व्यवस्था है, सारे फंडिंग कहाँ से ला रहे हो आप लोग? व्यवस्था एक संस्था है भारतीय किसान, वही तो सरकार जानना चाहती है, तो संस्था है, हम बता रहे सरकार को मारी सुन लो, जैसे बीजेपी की एक संस्था है, ये भी एक संस्था ही है, कांग्रेस है, ये भी एक पार्टी है, पार्टी कह लो या संस्था कह लो एक ही बात है, ऐसे ही भारतीय किसानों ने एक संस्था है निजी, ये निजी जनता के साथ में उत्पन्न किया था, इसमें पूरे भारत का किसान सम्मान सहित जुड़ा, सबकी बात की ये समझ में आई, सबको अच्छा लगा, तो ये भी एक संस्था है, इसमें नफा नुकसान संस्था अपने आप देख दिया है, रसीद बुक के तरीके से नुकसान जो भी है, नुकसान कभी कुछ नहीं।
अपनी फसल से इकट्ठा एकत्रित संस्था चलाते हैं। हक है, नियम।